प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैप्पी कार्ड योजना के तहत आज रादौर बस स्टैंड पर कार्ड वितरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हैप्पी कार्ड योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा हैप्पी कार्ड योजना के तहत मुफ्त बस कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि रादौर में अब तक 600 लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, 3 से 4 हजार कार्ड और बनाए जाएंगे। आज रादौर के अंदर जो एक स्कीम चलाई है हरियाणा सरकार ने हैप्पी योजना के तहत, कि जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उन सबको 1000 किलोमीटर की यात्रा करने का फ्री पास उनको दिया जा रहा है। तो आज उसका वितरण कार्यक्रम था, काफी लोगों को आज ये कार्ड बांटे गए और रादौर के अंदर लगभग ये 600 कार्ड लोगों को मिल चुके हैं और आने वाले समय में लगभग ये कार्ड 3 से 4 हजार की संख्या तक ये कार्ड बढ़ेंगे, जिससे काफी लोगों को जो है लाभ होगा। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बहुत सी हरियाणा सरकार ने गरीबों को समर्पित जो है ना योजना इस प्रकार की चलाई हुई है, जिससे आज गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। तो उसी के तहत ये हैप्पी योजना भी ये हरियाणा सरकार के द्वारा हमारे जो रोडवेज है हरियाणा रोडवेज, उसके माध्यम से जगह जगह जहाँ भी हमारे बस स्टॉप है उनके ऊपर आइए सभी लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही है, जिसका लोग भरपूर जो है ना फायदा उठा रहे हैं। और गरीब लोग इस बात को लेकर के बड़े खुश है कि ये पहली बार इस सरकार के माध्यम से इस प्रकार की योजनाओं का लाभ गरीब आदमियों को दिया जा रहा है। तो आज इस प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया, आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जो है ना जोश है, लोग कितने खुश है कि हमारे घर पर ही हमारी सरकार जो है ना हमारी बात सुन करके और ये सुविधा हमारे घर तक जो है ना पहुँचाने का काम कर रही है। वहीं हरियाणा रोडवेज यमुनानगर डिपो के GM संजय रावल ने बताया कि एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ID प्रूफ और 50 रुपए का शुल्क देना होता है, जिसके बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले यह सुविधा जिला स्तर पर थी, लेकिन अब इसको हर ब्लॉक पर शुरू कर दिया गया है। जो हमारे हरियाणा में 1 लाख से कम इनकम की आय के जो व्यक्ति है उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की में बस फ्री दिए जा रहे हैं और इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको कुछ नहीं, केवल 50 रुपए फीस और अपना ID प्रूफ साथ में लेके आना है और उसके बाद हम उनको ये कार्ड जारी करते हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को ये अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रादौर पहुंचे और अपने कार्ड प्राप्त करें। अब हमने एक्चुअली पहले सुविधा यमुनानगर बस स्टैंड पे थी, तो कुछ लोगों को 40-50 किलोमीटर तक भी चल के आना पड़ता था, तो उनको थोड़ा असुविधा होती थी आने में। तो हमने अभी ये स्कीम यमुनानगर के अधीन जितने भी ब्लॉक है हमारे, उन सभी में हमने स्कीम को स्टार्ट किया है, चाहे वो रादौर हो, बिलासपुर हो, छछरौली हो, सडोरा हो या खिजराबाद हो, हमने सब में ये कैंप लगाए हैं ताकि लोग आसानी से अपने घर के पास ही इन कार्ड को प्राप्त कर सके। और इसका नतीजा भी बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है और काफी लोग भरपूर मात्रा में अपने कार्ड लेने आ रहे हैं और अपनी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, ये केवल जो हमारी ऑर्डिनरी बसें हैं उन्हीं में ही ये सुविधा प्राप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए अनेक योजनाएं चलाकर उन्हें सीधा लाभ दिया जा रहा है। हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।